हेलो दोस्तों, तो आज हम बताने वाले हैं मशीन अचानक रेस क्यों हो जाता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और सीखिए। तो जैसा कि देखा आपने, ब्रश कटर स्टार्ट करते ही रेस हो गया अचानक। तो चलिए देखते हैं कहां पर गड़बड़ी। तो सबसे पहले एयर फिल्टर को हम खोलकर बाहर निकाल लेते हैं। और ये अभी मशीन चौक में नहीं है, ऊपर में चौक हो गया मशीन, नीचे में न्यूट्रल हो गया। तो पहले एस्केलेटर वायर को हम चेक कर लेंगे। तो हमारा जो एस्केलेटर वायर है वो सही से बैठा हुआ नहीं है। तो दोनों नट को हम ढीला कर लेंगे। लेफ्ट और राइट में दो नट है, दोनों को हम ढीला करके और एस्केलेटर केबल को हम आगे की ओर बढ़ा लेंगे। तो ये कुछ ढीला हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद हम वायर को फंसा लेंगे। रिपेयरिंग से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए ये वायर कैसे लगता है। तो जहाँ पर वायर बैठेगा, स्क्रू ड्राइवर से हम उसको घुमा लेंगे। और घुमाने के बाद जैसा देख रहे हैं कि एक यहाँ पर हॉल आपको दिख रहा होगा छोटा सा, इसी हॉल में आपको इस वायर को बैठाना है। एस्केलेटर वायर को हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस कुंडे में फंसा लेंगे और फंसाने के बाद एक बार एस्केलेटर को प्रेस करेंगे, वो बैठ जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं काफ़ी अच्छे से लग चुका है। तो अब हम मशीन को एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। उम्मीद है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो आप हमें वीडियो कॉल करें व्हाट्सएप पर। तो जैसा कि देखा आपने, वायर लगाने के बाद भी हमारा मशीन कुछ रेस था। तो एक स्क्रू है कार्बोरेटर में जिसको आप ढीला करेंगे तो वो रेस ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फिर से एक बार स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको।